इंदौर जिले में कोविड-19 को लेकर CHO शिक्षक सहित 21 लोगों की टीम का कोरोना वायरस संकट के दौरान सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहा। जानकारी के अनुसार इस टीम ने पूरे सुरक्षा नियमों के साथ बस्तियों और सभी थाना क्षेत्रों में जाकर जो कोरोना वायरस से पीड़ित की सूध ली, ठीक होकर घर गए लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, उनकी जांच के लिए लगातार PH और एक शिक्षक की टीम हर थाने क्षेत्र में लगी रही। मरीजों के घर जाकर 6 बार विजिट करने के बाद गवर्नमेंट को जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में सुविधा को चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट रेसिंग नाम का एक अन्य नया ऐप बनाया गया है, जिसके द्वारा आगे लोगों तक सुविधा मिलती रहेगी। होम क्वारंटाइन के लिए लगी हुई थी, किस तरह से वर्क किया और कितनी टीम लगी हुई थी आपकी? हमारी टीम जो लगी थी उसमें CHO थी और साथ में कुछ शिक्षक भी थे उनको हेल्प करने के लिए। और ये 21 टीम थी जो कि पूरे इंदौर शहर में थानों के हिसाब से बांटी गई थी। हर थाने के हिसाब से उन्होंने उसमें दो दो लोग थे, एक CHO थी और एक शिक्षक था। और ये थाना क्षेत्र में जो जो ऐसे पेशेंट जो कि पॉजिटिव पेशेंट घर आए हैं लौट के, या उनके घर के कॉन्टैक्ट्स, या जो होम क्वारंटाइन जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से घर लौटे हैं, उनका हम लोग देखभाल करते थे कि उन लोग को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से ये लोग 6 विजिट करते थे। जिस दिन वो घर आते थे उससे एक पहला दिन, उसके बाद में तीसरा दिन, फिर 6वां दिन, फिर 10वां दिन और फिर 14वां दिन, ऐसे करके 6 लोग विजिट करते थे और उनके बारे में सारी जानकारी जो है वो ऐप के जरिए पे गवर्नमेंट को दी जाती थी। सर आप बता रहे हैं आज लास्ट डे है, हाँ, लेकिन क्या अभी डेली पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है? नहीं नहीं, क्वारंटाइन तो अभी भी हो रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, पर होम क्वारंटाइन वाला जो विजिट था, जो सर्वे था, उसको चेंज कर रहे हैं, उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके एक नया एक सर्वे शुरू किया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, तो वो सर्वे अब करेंगे। ये वाला सर्वे अब उन्होंने अभी बंद कर दिया है और इसके डाटा यूज़ करके वो आगे बढ़ेंगे। आपका नाम? मैं हेमंत कुमार द्विवेदी, नोडल ऑफिसर होम क्वारंटाइन टीम।